परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमन जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना वंदे वंदे गुरु परम वंदे सत्यम सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधु और बहनों, परीक्षा ध्यान के अंग ये श्रृंखला हमारी काफी दिनों से चल रही है और इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम 36वीं कड़ी लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, ध्वनि से चमत्कार कैसे। परीक्षा ध्यान के चार सहायक अंग बताए गए, उसमें से एक है ध्वनि। ध्वनि का ध्यान में क्या महत्व है, इस बात पर भी चर्चा करेंगे और ध्वनि का प्रयोग भी हम करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए। पहले तो जिनके भी वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑन कर लीजिए। आपके स्माइलिंग फेस, मुस्कुराते हुए चेहरे दिखने चाहिए सबके। और हमारी ट्रेनर सविता जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, तो सभी से निवेदन, कृपया दोनों हाथ ऊपर करते हुए सविता जी का वेलकम कीजिए। सविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ओम अरहम, ओम अरहम। तो आपसे निवेदन, अब आप आज का सेशन शुरू करें। सविता जी, जय। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सुप्रभात सबके मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ आज का ये सेशन शुरू करते हैं। जैसे आनंद बल सर ने बताया कि कंपोनेंट्स लेकर हम चल रहे हैं। पहले हमने सारे के सारे मुख्य अंग लिए और अब एक एक करके सहायक अंग है। तो आज ध्वनि है, तो ध्वनि किस तरह हमें पूरे जीवन में हेल्प करती है। और वैसे ध्वनि क्या है, अगर एक जनरल सा वर्ड लिया जाए, ध्वनि फेमिलियर हम सब है इस वर्ड से, लेकिन ये है क्या। इनफैक्ट जो भी हम कुछ सुनते हैं वो ध्वनि है, जो आवाज हमारे कानों में जाती है वो ध्वनि है। कान एक जो हमारा सेंस ऑर्गन है, वही इस ध्वनि को हमारे भीतर तक लेकर जाता है। और एक स्लाइड भी शेयर करते हैं, ध्वनि। तो जैसे मैंने अभी बताया कि कानों से ही हम ध्वनि को सुन पाते हैं। और ये है क्या, बेसिकली ये हमारे जो वॉइस बॉक्स है इसकी वाइब्रेशन है, जो हमारा यहाँ पे तंत्र रहता है ध्वनि का, वॉइस बॉक्स, उसी में जो वाइब्रेशन, वो वाइब्रेशंस किस तरह से क्रिएट होती हैं। जैसे ठहरे हुए जल में कोई पत्थर डाला जाता है और उसमें रिपल्स बनती है, इसी तरह हमारे भी ध्वनि की वाइब्रेशंस
बनती हैं और वही वाइब्रेशंस हम सुन पाते हैं, वॉइस बॉक्स से निकलती हैं। और देखा जाए तो अगर ध्वनि को हम समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले अक्षर, अक्षर से शब्द, शब्दों से ही वाक्य बनते हैं और वाक्यों से ही पूरे के पूरे पैराग्राफ्स, एसेज, कविता, जो भी हम बनाना चाहते हैं वो सभी इन शब्दों से ही बनते चले जाते हैं। और ध्वनि किसी भी चीज की हो सकती है, कोई चीज नीचे गिरी ध्वनि होती है, दो चीजें आपस में टकराई गायन की ध्वनि, बच्चे के रोने की आवाज, हर तरह की आवाजें हम दिन भर में अपने आसपास सुनते हैं और उन्हीं में से कुछ ध्वनियां हमें बहुत अच्छी लगती हैं और कुछ ध्वनियां हमें किसी भी तरह से बियरेबल नहीं होती है। चाहे संगीत को ही ले ले, संगीत अगर शुरू होता है बहुत माइल्ड म्यूजिक होता है, सबको बहुत सूदिंग लगता है, और वही कई बार बहुत तेज हो जाता है तो अपने आप को सुनने में वो अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से ध्वनियां बहुत, और ध्वनि इंस्टेंटली हमारे ऑर्गेन्स पे, हमारे शरीर पे काम करती है, हमारी फिजियोलॉजी इमिजिएटली बदल जाती है जैसे ही हम कुछ सुनते हैं। और ध्वनि इनफैक्ट देखा जाए तो जब हम सोए हुए होते हैं तब भी अचानक हमारा कोई नाम बुला दे, चाहे हम गहरी नींद में हैं, लेकिन उसके लिए भी हम एकदम से अलर्ट हो जाते हैं। तो इतनी इफेक्टिव होती है ये ध्वनियां। तो और एक तरह से देखा जाए तो कम्युनिकेशन का साधन भी ध्वनि ही है, इसी के थ्रू, शब्दों के थ्रू, वाक्यों के थ्रू ही हम एक दूसरे से इंटरैक्ट कर पाते हैं, बात कर पाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। और ध्वनि इज द साउंड इज द सेकेंड फास्टेस्ट ट्रैवलर। और क्या कोई बता सकते हैं कि फर्स्ट फास्टेस्ट ट्रैवलर क्या है? लाइट, लाइट एंड साउंड सबसे तेज लाइट ट्रेवल करती है और उसके बाद ध्वनि ही है जो ट्रेवल करती है। एंड ध्वनि इटसेल्फ इज एन एनर्जी, साउंड एनर्जी। और इसी तरह साउंड एनर्जी की तरह ही बहुत सारी एनर्जीज हमारे चारों तरफ रहती है, हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी। तो हर तरह की एनर्जी से हम हर वक्त घिरे रहते हैं और साउंड एनर्जी वाइब्रेशंस की तरह ही काम करती है। आचार्य महाप्रज्ञ ने कहा भी है कि हम बोलते हैं, भाषा है, लेकिन उसके दो मुख्य दोष भी हैं। एक तो हम बहुत ज्यादा बोलते हैं, ना चाहते हुए भी हमारी बोलने की जरूरत नहीं होती है लेकिन हम बोलते चले जाते हैं, किसी को हमारी राय की आवश्यकता नहीं होती है लेकिन हम बिना मांगे राय देना अपना एक हक समझते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जरूरत होने पर नहीं बोलना भी भाषा का एक बहुत बड़ा दोष है, कि जरूरत होती है और हमने मौन लिया हुआ है लेकिन जब जरूरत है, कई बार इस तरह के इंस्टेंस आ जाते हैं कि बोलना बहुत जरूरी हो जाता है तो बोलना भी है। और इसी तरह विवेकानंद जी ने भी कहा है कि शब्दों में बहुत शक्ति है, और इनफैक्ट ये हम सब जानते हैं, कोई भी हमें अचानक आके बोल दे तू आज बहुत खराब लग रही है, और इनफैक्ट वो शब्द हमारे ऊपर इमिजिएटली असर करते हैं, तुम्हें तो बोलने का तरीका ही नहीं है। और कोई आके बोल दे आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन, बहुत मीठा बोलते हो, तो इनफैक्ट यही चीजें हैं जो हमें बोलते हुए ध्यान रखनी होती है, कम बोले, मीठा बोले, सोच कर बोले। तो उन सब चीजों का असर सामने वाले के ऊपर बहुत ज्यादा आता है। तो अल्टीमेटली जो भी ये ध्वनियां है वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म होती है, इनफैक्ट जो साउंड वेव्स होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट हो जाती है और वही पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई रहती है। तो हम एक एक करके जो ध्वनियां हम अपने आसपास सुनते हैं, जो कि स्पेसिफिक वर्ड्स का
कॉम्बिनेशन है और बहुत ही पावरफुल ध्वनियां हैं। ओम के लिए तो हम सभी बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं कि ओम शब्द क्या है, और उसके बारे में हमने पहले काफी चर्चा भी की। तो उसी को आज ध्वनि के रूप में किस तरह से हम अलग-अलग ढंग से इसको यूज कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, और जब हम इन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो हमारे चारों ओर उसी ध्वनि की वाइब्रेशंस जो क्रिएट होती हैं वही हमारे भीतर भी क्रिएट होती है, और जब ये ध्वनि तरंगे हमारे भीतर आती हैं तो हमें हर तरह से स्ट्रांग बनाती चली जाती है, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर। और यही ध्वनियां अल्टीमेटली ओवरऑल तीनों का तो हमें होता ही है, स्पिरिचुअलिटी की ओर भी, जो हमारा अल्टीमेट टारगेट रहता है स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म, उसकी ओर भी अग्रसर करती है। ओम के बारे में हम सब जानते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड की ध्वनि है ये ओम। और अगर हम इसको तीन शब्दों में ले, ए यू और एम, अ उ और व, और ये भी हम सब जानते हैं, अ इज रिलेटेड टू ब्रह्मा, उ इज रिलेटेड टू ब्रह्मा विष्णु महेश, मींस रचनाकार वो क्रिएट करते हैं। ब्रह्मा को सभी जानते हैं कि ही इज द क्रिएटर ऑफ द होल, जो भी हमारी जितनी भी यहाँ पर कह लो कि हर तरह की जो भी रचना की जाती है, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो पशु पक्षी हैं, हर तरह की रचना उत्पन्न होना क्रिएटर ब्रह्मा, और फिर उसके बाद प्रिजर्वर, ये सारी चीजें इस जीवन में चलती रहती हैं। वो हुए उ, और म अल्टीमेटली ब्रह्मलीन, डिस्ट्रॉयर वर्ड कहा जाता है, लेकिन मौन की स्थिति में आकर, धीरे धीरे शांति की स्थिति में आकर ब्रह्मलीन अल्टीमेट टारगेट पर पहुंचना। तो ये तीनों ही शब्द ओम शब्द को लेकर चलते हैं, और उसी से हमें अल्टीमेट टारगेट की प्राप्ति भी होती है। और ओम शब्द जब बोला जाता है तो उसमें हमें जीभ की भी जरूरत नहीं पड़ती है, गले से वो ध्वनि निकलती है और सीधा लिप्स तक पहुंच के नाक से ही उसको बाहर निकाल दिया जाता है। और एक चीज और, हमारे कानों की जो क्षमता होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है, इनफेक्ट हमारी हर इंद्री की एक क्षमता होती है। तो उससे ऊपर की जो आवाजें होती हैं उनको अल्ट्रासाउंड्स कहा जाता है, और उससे नीचे की ध्वनि जो होती है वो इंफ्रासाउंड्स होती है, जिन्हें कि हम नहीं सुन सकते हैं। लेकिन अब जो ओम की जो ध्वनि है उसी को नासा, जो अमेरिका है, उसने उसको सुनने की कोशिश की, लेकिन उसकी ध्वनि बहुत बहुत हाई पिच पे थी, तो उन्होंने उसको कंप्रेस करके जब सुना कि सूर्य की ध्वनि क्या है, जब उसको कंप्रेस करके सुना गया तो उन्होंने देखा कि ये तो भारतीय मंत्र ओम की ही ध्वनि है, और ओम का उच्चारण हम अलग-अलग ढंग से करते हैं, इसकी बहुत ढंग से उच्चारण किए जाते हैं, लाइक ओ म दो शब्द लेकर भी किए जा सकते हैं, ओम करके भी किया जा सकता है, और पहले ओ को लंबा म को छोटा किया जाता है, और फिर दोनों को इक्वल भी कर सकते हैं, और पहले शुरू किया ओ को छोटा करके और म की ध्वनि को लंबा कर दिया। तो एक बार इसका एक छोटा सा प्रयोग, छोटे छोटे प्रयोग हम साथ के साथ करते भी चले जाएंगे कि किस तरह से ध्वनियों का उच्चारण हम अपनी डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं। तो एक बार यही तीन तरह का उच्चारण ओम का, जिसमें कि पहले ओ का लंबा और म छोटा 3 बार, और फिर 3 बार ओ और म इक्वल, और फिर ओ की ध्वनि छोटी रहेगी और म लंबा रहे, और एक तरह से ये रहता है कि 1/4 is to 3/4, देन हाफ हाफ, देन इस तीनों को अगर आप लेके चलते हैं तो इस तरह ओम का उच्चारण हमें करना है। और
ज्यादातर जूम में देखने में मिलते हैं कि लास्ट में जब गुंजन किया जाता है उसकी आवाज ये नहीं पकड़ पाता है, लेकिन अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जितना लंबा आप कर सकते हैं लंबा करने की कोशिश करें। तो करने का तरीका वही है, जिस भी आसन में बैठ सकते हैं रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी बनी रहे और आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट। तो 3 बार पहले आंखें बंद, ओ को लंबा और म को छोटा, श्वास ले, श्वास ले, श्वास ले, ओ, शांत। दोनों इक्वल, श्वास ले, श्वास ले, शान। ओ छोटा और म लंबा, श्वास ले, श्वास ले, ओ,
शान, वाइब्रेशंस को फील करें। धीरे धीरे आंखें खोलें। जब भी प्रकंपनों का अनुभव करते हैं तो थोड़ी देर उनको अनुभव में लाने के बाद धीरे धीरे ही आंखों को खोलें। तो इनफैक्ट आज हम ओम पर ही बात करते हैं और इसी के अलग-अलग तरीकों पर बात करते हैं कि किस तरह से उच्चारण अलग-अलग ढंग से किया जा सकता है। और जब ओम का ध्यान भी करते हैं तो उनको हम कलर्स और केंद्रों के साथ भी जोड़ सकते हैं। तो जिस तरह अगर अ उ और व तीन अलग-अलग शब्दों को तीन केंद्रों पर, और तीन एक तरह से नीचे का केंद्र हो गया, बीच का केंद्र हो गया और ऊपर का केंद्र हो गया, तो तीनों ही एरियाज को हमारा बैलेंस कर दिया जाता है ओम की ध्वनि से। तो ओम को जब अ शब्द का उच्चारण किया, तेजस केंद्र नाभि अरुण रंग का ध्यान करते हुए, और जब ऊ शब्द का उच्चारण किया, आनंद केंद्र अनाहत चक्र पर नीले रंग का ध्यान करते हुए, और म शब्द का उच्चारण किया, दर्शन केंद्र सफेद रंग का ध्यान करते हुए। और इनफैक्ट देखा जाए तो जब हम ओम ओम का उच्चारण करते हैं, ओम की वाइब्रेशंस को फील करते हैं, ज्ञान नॉलेज का विकास होता है, हमारी अंतः दृष्टि जागृत होती है, और जब इन दोनों का विकास हो जाता है, ऑटोमेटिकली जो हम कहते हैं जो हम करते हैं वो एक होता चला जाता है। एक तरह से हमारे आचरण में, हमारे चरित्र में भी वही चीजें आती चली जाती हैं। और ओम का ही उच्चारण हम तेजी से भी कर सकते हैं। एक दो तरह का और ओम का ही उच्चारण मैं करवाती हूं कि एक श्वास लिया और ओम को जितनी बार उच्चारण कर सके, ओम 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 ओम, एक ही श्वास में जितनी बार ओम का उच्चारण हो सके, और उसके बाद देन अगेन रिलैक्स फील करें, उन्हीं प्रकंपनों को अपने भीतर फील करें। इसको भी हम 3 बार रिपीट करें। तैयार हो जाए, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। श्वास ले, ओम 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 ओम। श्वास ले, ओम 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 ओम। एक बार और श्वास ले, ओम 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 ओम।
होगा अनुभव? धीरे धीरे आंखें खोलें। ओम की ही ध्वनि एक और लाइक तेजी से ओम, एक ही श्वास में जितनी बार ओम का उच्चारण कर सके। और अगेन श्वास के बाद रिलैक्सेशन जरूर फील करें। जब पूरी तरह से प्रकंपनों का अनुभव कम से कम 10 काउंट्स तक जरूर करें। उसके बाद फिर से एक श्वास लेकर ओम 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 जितना पॉसिबल हो। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत लंबा करना जरूरी है, धीरे धीरे लंबा होता चला जाता है। स्टार्टिंग में अगर 4-5 बार भी बोल पा रहे हैं, इट्स फाइन। अपने आप हर चीज की रेगुलरिटी से बढ़ता चला जाता है, तो इसे भी हम 3 बार ही करेंगे। फिर से ध्यान के लिए जो भी आसन ले सके, पॉस्चर ले, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, श्वास ले, श्वास ले, श्वास ले, ओम प्रकंपनों को फील करें। धीरे धीरे आंखें खोलें। तो इनफैक्ट देखा भी होगा, ओम का उच्चारण करते हुए जीभ हमारी कहीं पे भी टच नहीं होती है, सिर्फ लिप्स का ही मूवमेंट ओम के दौरान होता है। और आज ओम का ही एक ध्यान का प्रयोग भी, एक ओम का सुरक्षा कवच अपने चारों ओर, और उसी सुरक्षा कवच में अपने आप को फील करना है कि मैं पूरी तरह से इस सुरक्षा कवच में प्रोटेक्टेड हूं। हर तरह के रोग उस सुरक्षा कवच को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। किसी भी तरह के रोग हो, किसी भी तरह के नेगेटिव विचार हो, थॉट्स हो, एक तरह से मेरे चारों ओर वो एक कवच बन गया है जिसके अंदर किसी भी तरह की नेगेटिविटी एंटर नहीं कर पा रही है। तो यही मैं इंस्ट्रक्शंस पूरी देती रहूंगी,
बस उसी तरह उसको अपने भीतर फील करते चले जाएं। नाभि से शुरू करेंगे ओम को और उसी का आकार धीरे धीरे बड़ा करते हुए पूरे शरीर पर फैलाना। ध्यान के लिए तैयार हो जाए। पूरी सुस्ती को एक अंगड़ाई लेकर हाथ पैरों को हिलाकर निकाल दें। कोई अकड़न जकड़न शरीर में ना रहे। ध्यान के लिए तैयार हो जाए। जिस भी आसन में सुविधापूर्वक बैठ सके, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, हाथों की मुद्रा, ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा। कमर और गर्दन सीधी रहे, रीढ़ की हड्डी सीधी बनी रहे। आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट। पूरे ध्यान काल तक शरीर का यही पोस्चर बना रहे। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे, कहीं कोई अकड़न जकड़न ना हो। नौ बार महाप्राण ध्वनि।
शान। शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दे, कहीं कोई अकड़न जकड़न ना हो। फील रिलैक्स्ड। चित्त को पूरे शरीर पर फैला दे, पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक। सुझाव दे, पूरा शरीर शिथिल हो जा। शिथिल हो जा। शिथिल हो जा। अनुभव करें, पूरा शरीर रिलैक्स। हो रहा है रिलैक्स। हो रहा है। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो गया है। स्टैचू की तरह फील करें, मूर्तिवत स्थित। शांत रिलैक्स्ड। स्थिरता शिथिलता। चित्त को नाभि पर तेजस केंद्र मणिपुर चक्र पर ले आए। ओम को गोल्डन कलर में नाभि पर उगते हुए देखें। सुनहरे रंग में ओम तेजस केंद्र पर साक्षात्कार। धीरे धीरे सुनहरे रंग के ओम को बड़ा करते जाओ। ओम का साइज धीरे धीरे बड़ा करते हुए
पूरे शरीर पर फैला दे धीरे धीरे। तेजस केंद्र से गोल्डन कलर का ओम निकलता हुआ पूरे शरीर पर धीरे धीरे फैल रहा है। पूरे शरीर को ओम से कवर कर दें। ओम का कवच शरीर के चारों ओर है। अपने आप को ओम के कवच में पूरी तरह से सुरक्षित फील करें। मैं सेफ हूं, सुरक्षित हूं। हर तरह के रोग, नकारात्मक विचार ओम के कवच से टकरा कर वापस चले जाते हैं। मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ, सेफ हूँ। अपने आप को ओम के कवच में प्रोटेक्टेड फील करें, सुरक्षित फील करें। हर तरह के रोग, नकारात्मक विचार ओम के कवच से टकराकर वापस चले जाते हैं। मैं पूरी तरह से ओम के कवच में सुरक्षित हूँ। गोल्डन कलर का ओम का कवच सुनहरी रंग का ओम का कवच शरीर के चारों ओर।
मैं पूरी तरह से ओम के कवच में सुरक्षित हूँ। चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर ले आए। पूर्णिमा के चांद की तरह चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान ज्योति केंद्र पर। चित्त को पूरे ललाट पर फैला दे। पूरे ललाट पर चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान। चमकते हुए श्वेत रंग के परमाणु ललाट के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। शांति और आनंद का अनुभव। दो तीन लंबे और मंद श्वास। दोनों हाथ जुड़े हुए शरण सूत्र का उच्चारण। अर्हन्ते शरणं भवचामि, सिद्धे शरणं भवचामि, साहू शरणं भवचामि, केवलीपणतम् धम्मं शरणं भवचामि, अर्हन्ते शरणं भवचामि, सिद्धे शरणं भवचामि, साहू शरणं भवचामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं भवचामि, अर्हन्ते शरणं भवचामि, सिद्धे शरणं भवचामि, साहू शरणं भवचामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं भवचामि। हथेलियां आंखों पर। अंधेरे में आंखों को टिमटिमाए। धीरे धीरे उंगलियों से रोशनी आने दे। अरे ओम अरहम।
ध्यान का प्रयोग अभी हमने किया। अब हमारी जो क्विज के प्रश्न भेजे गए थे, पहले उसके उत्तर, सही उत्तर जान लेते हैं और उसके बाद हम आपसे भी बात करेंगे। तो सुमिता जी, आज का जो हमारा क्विज नंबर 16 जो था, उसके सही उत्तर क्या है और उसके विजेता कौन है, उनके नाम आप बता दीजिए। हाँ जी, तो क्विज के जो हर बार की तरह 3 क्वेश्चंस रहते हैं। पहला प्रश्न है, शरीर के 2 मुख्य तंत्र कौन से हैं? नाड़ी तंत्र और ग्रंथि तंत्र। तो जो ऑप्शन बी है वो सही जवाब है। एक्चुअली में आंसर्स जो है, जो वीडियो रहता है उसी के अकॉर्डिंगली रहते हैं। कई बार देखने में लगता है कि दूसरा आंसर भी सही हो सकता है, लेकिन सही होता भी है, वो भी बात सही है, लेकिन जो आंसर्स वीडियो में दिए जाते हैं वो उसी के अकॉर्डिंगली ही सही माने जाते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा से क्या लाभ होता है? चैतन्य केंद्र प्रेक्षा मीन्स एंडोक्रिन सिस्टम, जितनी भी ग्लैंड्स हैं वो बैलेंस होती है। तो ग्लैंड से क्या निकलता है? हार्मोन्स का स्राव होता है। तो एक्चुअली में हार्मोन्स का बैलेंस होता है जब हम चैतन्य केंद्रों पर ध्यान करते हैं, और उसका ऑप्शन है ए, जो राइट ऑप्शन है। तीसरा प्रश्न, पिट्यूटरी ग्लैंड का संवाही केंद्र कौन सा है? दर्शन केंद्र, मास्टर ग्लैंड, थर्ड आई, और ये ऑप्शन है सी। तो सही जवाब बहुत सारे आए हैं इस बार भी, बट यही है कि अल्टीमेटली जिनके पहले जवाब आए हैं उनके एक बार 3 जो विनर्स हैं उनका नाम मैं बता देती हूँ। सबसे पहले जो इस बार आया, इस बार भी 2 नाम हमारे पास नए हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में आए हैं। फर्स्ट है विनय चौगुले, और सेकंड है चंदू दुगर, एंड थर्ड है जबाहा जारिका। तो बहुत ही अच्छे से सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सभी के लिए ओमर हम। और जो बाकी भी सही हाँ, जवाब आए हैं अभी आनंदमल सर बता रहे हैं। तो ये तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में जिनका जवाब पहले आया उनके नाम आपने बताए। इसके अलावा अशोक जी जैन, महावीर जी, गोसाली जी, इनके जवाब भी सही है। और कई भाई बहनों ने एक सवाल गलत किया, जैसा कि अभी सविता जी ने बताया आपको। मैं देखता हूँ कई लोगों को जवाब भेजने की जल्दी रहती है, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में आने के लिए जल्दी जवाब भेज देते हैं, और जल्दी जवाब भेजने के चक्कर में वीडियो शायद आप लोग पूरी तरह से देखते नहीं है। तो कृपया वीडियो पूरा देखिए, वीडियो पूरा देखिए, ताकि आपको जो भी कहा अपन मिस्टेक कर रहे हैं वो हमारे समझ में आ जाए। वीडियो पूरा देखेंगे तो क्या होगा कि आप बिल्कुल सही जवाब आप भेज पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, काफी भाई बहन इसमें भाग ले रहे हैं और इससे बहुत ही नई नई जानकारी हमें मिल रही है। तो ये हमारी श्रृंखला बहुत ही बढ़िया चल रही है, क्विज की श्रृंखला भी। तो अभी आपकी कोई जिज्ञासा हो, आज का जो हमारा सेशन हुआ इससे संबंधित कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, तो प्रश्न ले लेंगे हम। तो आप एंड्राइज कर सकते हैं, आपके पास एंड्राइज का ऑप्शन है। और ये जितनी भी ध्वनियां है ना, ओम, अरहम, महाप्राण ध्वनि, सोहम, हम एक एक करके लेते भी रहेंगे और सबके ही इक्वल बहुत फायदे हैं, और उनके प्रकंपनों को अनुभव करना बहुत जरूरी है, और तरीके भी बहुत सारे हैं करने के, और हो जी सकता है बहुत सारे तरीके हमें ना भी पता हो, और यहाँ पर भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं, उन्हें भी उनके बारे में काफी आइडिया होगा कि अलग-अलग तरीके भी क्या हैं। जी रीता जी ने हैंडराइज किया है, चंदू जी ने हैंडराइज किया। रीता जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज, कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो आप बात कर सकते हो। सविता जी, आप सुनाई दे रहा है ना? जी, हाँ जी, एक्चुअली ओम या महाप्राण ध्वनि का जब शुरू करते हैं तो 4-5 तो अच्छा होता है, लेकिन
उसके बाद डल हो जाता है। होता है ऐसा, क्योंकि स्टार्टिंग में हम थक जाते हैं। देखिए आसन भी करते हैं शुरू में, आसनों में भी हम ज्यादा देर तक नहीं ठहर पाते हैं। तो इसी तरह जब हमारी आवाज मुंह से निकलती है, नाक से, इनफैक्ट तो नाक से ही निकालते हैं इन सभी ध्वनियों में, तो जब नाक से ध्वनि निकल रही होती है, धीरे धीरे हमारा शरीर थक जाता है और धीरे धीरे ही वो स्टेमिना कैपेसिटी हमारी बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते चले जाएंगे वो स्टेमिना हमारा बिल्डअप होता चला। वही 5-6 तो अच्छा जोश से होता है, फिर वो जोश थोड़ा कम हो जाता है। हो जाता है ऐसा, बट वो देखना आपका धीरे धीरे 9 बार 21 बार बहुत इजीली मैनेज करो। जैसे आसन स्टार्टिंग में हमारे बहुत कम समय के लिए ठहर पाते हैं, वो भी बढ़ता चला जाता है। तो यही चीज ध्वनि में भी है। थैंक यू। चंदू जी दुगड़। जय जिनेंद्र सर। अच्छा, बोलिए। जैसे ये अपन एट ए टाइम तीनों ध्वनि कर सकते हैं, और हम ध्वनि महाप्राण ध्वनि या ओम की ध्वनि। कर सकते हो ध्वनि, क्योंकि देखिए एक तो गुंजन तो हर ध्वनि के पीछे हो ही रहा है, महाप्राण ध्वनि। तो इनफैक्ट अगर आपने साथ में पहले मान लो 9 बार ओम का किया, फिर जैसे रीटा जी ने बोला कि हम कई बार थक भी जाते हैं, तो बीच में चाहे थोड़ा सा भी रिलैक्सेशन दे दिया, फिर अरहम की ध्वनि कर ली, फिर साथ ही महाप्राण ध्वनि कर ली। जैसे आसन एक के बाद एक कर सकते हैं, मुद्राएं एक के बाद एक कर सकते हैं, ध्वनि भी एक के बाद एक इजीली कर सकते जय जिनेंद्र, हैं। जी बहुत ही अच्छा रहा ध्यान। मैं पूछ रही हूँ, ये जो ओम का विजुलाइजेशन करते हैं, वो ओम उल्टा विजुलाइजेशन होता है या सीधा करें? मैंने नाभि के ऊपर जब ओम का ये करते हैं, तो अपने नाभि के ऊपर करते हैं तो ये तो उल्टा विजुलाइजेशन होता है, और उसको फिर बड़ा करते हैं तो फिर उसको सीधा करें क्या? कैसा जिस तरह है का ये? आपको नजर आ रहा है ना, बस आप उसको देखते चले जाए। लाइक देखिए सामने तो हमारे सीधा रहेगा, जब हम नाभि पे आते हैं तो वो दूसरी तरह से आ जाते हैं। उस चीज पे ध्यान ही मत दो, बस जैसा भी वो दिख रहा है उसको बस बड़ा करते चले जाए। मतलब उल्टा है सीधा है उस चीज को छोड़ के जस्ट ओम को विजुअलाइज कीजिए, वो अपने आप पूरी बॉडी को कवर हमारा कर देता है। और इनफैक्ट ओम का कवर जैसे हम अपने शरीर को देते हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं अपने घर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ओम के कवर से, गाड़ी में जा रहे हैं गाड़ी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इवन अपने परिवार को पूरी तरह से ओम की प्रोटेक्शन दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो हमें खुद के लिए ही करना है, ओवरऑल हर तरह से ओम अरहम इस तरह के कवच हम अपने चारों ओर बना सकते हैं। बहुत बहुत आभार। जिनके भी हैंडराइज थे हमने उनको सुना। अभी तो अभी हम समय हमारा संपन्न भी हो रहा है, समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें, मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। सविता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोनों संस्थाओं की तरफ से, और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ममता जी कच्छारा ने हैंड रेज किया। 1 मिनट, हम ममता जी को अनम्यूट ऑप्शन दे देते हैं, उसके बाद अशोक जी समापन कराएंगे। ममता जी बोलिए। सामायिक चीज के लिए पूछ नहीं पाई। मैं बोल रही हूँ कि घर के ऊपर और प्रोटेक्शन ओम का जैसे कैसे कर सकते हैं। और देखिए ओम का प्रोटेक्शन ऐसा भी नहीं कि हमें आधा घंटा या 20 मिनट, आप
क्योंकि जब आपको आदत पड़ जाती है हर चीज की, इमिजिएटली ओम को देखा पूरे घर के चारों ओर उसको फैला दिया, लाइक एक तरह से पूरा उसको कवर कर दिया हमने ओम के अंदर, तो वो एक तरह से कवच घर को मिल गया। लाइक ओम को देखना शुरू किया, फैलाया, जैसे शरीर के ऊपर फैलाया उसी तरह पूरे घर के ऊपर फैला दिया और पूरा घर उसके अंदर प्रोटेक्टेड है। जी थैंक यू, कृतज्ञ। अशोक जी, जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधी का एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, रोज फिटनेस का डोज, 1 घंटा फिटनेस रोज, का डोज, एक एक घंटा घंटा हर रोज। रोज। ओम।